speaking to someone else. You can wait or call again later. Assalamu alaikum. हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लाइन पे है क्या? मतलब वो लाइन पे है लेकिन अभी मैंने नहीं उसको नहीं उसको काट दे तू, उसकी लाइन को काट दे तू, मेरे से अकेले बात कर रहा। एक मिनट एक मिनट। हाँ अजमी भाई। हेलो अजमी भाई। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई अभी अभी मैं आपसे भाई मैं आधे घंटे बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है? और करने की जरूरत नहीं है, और बीच में फोन करेंगे तो उठा लेना, ठीक है? ये डायरेक्ट मेरा पंगा है। अरे तेरी कुछ औकात है साले पंगा लेने लेने की? साले बंगी भाई बताइए हमसे, बताइए हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। पहले इसको काट, पहले इसको इसको भगा, इसको सुअर को जानवर को। अच्छा बात ये हुई है कि इसने फराज ने फोन किया होगा नदीम बुरानपुरी को, ठीक है? हाँ, वो ऑडियो आई थी। कुछ कुछ बात हो रही थी एक हदीस के ऊपर, जो जुबैर अली ज़ही रहीमुल्लाह की तकरीर के मुताबिक वो हदीस सही थी, जो सुनन अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है? उसने उस पर ये बोतान लगाया नदीम बुरानपुरी ने कि ये हदीस झूठी है, उसको ज़ईफ भी नहीं कहा, उसको सीधा डायरेक्ट झूठी कह दिया। अब उससे ये कहा गया कि भाई अगर तू इसको झूठी कह रहा है तो इसकी क्या इल्लत है और इसका इसका क्या कुलिया कायदा है जिस हिसाब से तू इसको ज़ईफ कह रहा है, और कौन से मुहद्दिसीन ने कौन से सलफ ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है, इस पर कलाम किया है? अब वो ग्रुप से भागे जा रहा है। अब हमें थोड़ी मालूम है उसके बच्चे का इंतकाल हो गया या क्या हो गया, ठीक है? अब वो गुरु, अब जब तूने बोतान लगाया है एक चीज का, तूने दावा किया है, तो तेरी जिम्मेदारी ये बनती है तू उस चीज को साबित कर, है कि नहीं? अब वो साबित कर नहीं रहा। अब तो इसने फराज ने उसको फोन लगा दिया, फराज को फोन लगाया तो फराज को इसने गालियां देना शुरू कर दिया। अब मैंने वो ऑडियो शेयर कर दी, मैंने वो जो बुरहानपुरी की गालियों वाली ऑडियो है मैंने वो शेयर कर दी। अच्छा अच्छा। तो ये आदमी की गांड में पता नहीं क्या कीड़े काटे, इसने फराज को फोन किया। अब फराज को फोन करने के बाद में इसको फराज से बात करनी चाहिए थी ना। इसने अपने बाप के ताल्लुक से वहां पे नाम घसीटा मेरा और तलाका। नहीं अभी मेरी बात हुई तो बोल रहे हैं कि इनको जो ऑडियो भेजी थी वो तलाका भाई ने शायद भेजी थी इनके। नहीं नहीं सुनो, वो किसी ने भी भेजी हो, मैंने तो सारे ग्रुपों में शेयर कर दी ना वो ऑडियो, वो उसको किसी हाँ। कहीं से भी मिली हो। बात ये है कि फराज से तुझे जिसका मैटर है वो जाने, फराज में किसी और कलाम। अब ये मुझे चोर का बच्चा ये कहता है साला कि मेरे को किसी ने गाड़ी दिलाई। अबे मेरे को गाड़ी, एक मिनट मेरे को किसी ने गाड़ी अगर दिलाई है तो तेरी गांड में क्या मिर्ची लग रही है? तेरे को नहीं मिली ना, तेरी औकात नहीं है। मैंने चंदा तो नहीं मांगा ना किसी से, चल मैं मान लेता हूँ मेरे को भाई सुन ले मेरी बात, मैं चल मान लेता हूँ मेरे को किसी ने गाड़ी दिलाई है, ठीक है? मैं चल नाम भी बता देता हूँ, उसमें फला आदमी ने मेरे को गाड़ी दिलाई है। तेरी गांड में क्या मिर्ची लग रही है? तू मुझसे इल्मी बात करना, तू मुझसे इल्मी बात कर। अगर नदीम बुरानपुरी का तू दिफा कर सकता है, वो तो खुद तो कर नहीं पा रहा है चूतिया, तू क्या दिफा करेगा उस बात का? नहीं नहीं अब भाई देखिए, एक लाइन खाली हम भी बोल रहे हैं, मतलब यार इधर नमाज पढ़ रहे तो मेरे पास फोन आया था करीब यही 2:30 बजे कि यार एक ऑडियो आई है और मतलब जो फराज है नदीम भाई के साथ मतलब कुछ हो गया गाड़ी गलौज उलौज, तो हमने कहा तो यार इसमें क्या मैटर है, तो कह यार बताओ यार उनके मतलब बेटे का भी इंतकाल हुआ है हफ्ता भर भाई मेरे को, और मेरी बात नहीं नहीं एक में पहले मेरी सुन लीजिए, समझ लिया मेरी बात को के वो उसके बच्चे तो का तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फराज को फोन करके मतलब समझा दो यार कोई आदमी हो सकता है इसमें अपने आप ना हो, भाई बेटे का इंतकाल हुआ है मान लो गाली दे दी है तो ये सब जो ऑडियो खुला शेयर करे अभी हल्कियों के हाथ में पहुंच जाएगी तो लोग फिर मतलब उनको बदनाम कर देंगे। आप सुन तो मेरी बात, ये समझाने के लिए उन्होंने फोन किया, फोन पे क्या कहा वो भी ऑडियो मेरे पास अभी आई। मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा यार जिसकी बात थी तुम उसको बोलते कह रहे नहीं यार फराज से हमने ऐसे मेरे मुख निकल गया, फराज हमारी बात अपने पास ही रखेगा, लेकिन अब वो चीज थी भाई वो इधर की उधर हो गई। नहीं आपस में हो जाती है दिल में। मेरी बात सुन, लास्ट टाइम भी जो अपना मसला हुआ था यही हुआ था कि भाई देख मेरे को तुम लोगों से कोई लेना नहीं, मेरा काम है कि भाई किसी के लफड़े में एकदम ना पड़ो। देख मैं जो काम देखो बस, अच्छा सुन ले मेरी बात, मैं जो काम करता हूँ मैं सबसे अलग हटकर काम करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं किसी को गाली भी दे रहा हूँ ना तो वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी दलील मैं दूंगा उसको कि मैंने, और आज तक मैंने किसी भी हनफी को गाली नहीं दी है,
मैंने हनफियों को सिर्फ फिका हनफी पोस्ट किए, हाँ कुछ भाइयों को मैंने अपने अहलुल हदीस भाइयों को गालियां दी हैं, जो मेरा जाती मैटर था वो कोई इल्मी मैटर नहीं था, अब्दुल समी हो या दीगर कोई भी भाई हो उनसे मेरा वो जाती मैटर था, कोई इल्मी मैटर नहीं था वो, ठीक है, जो मैंने उन लोगों को गालियां दी हैं और उसकी मैं माफी तलब कर चुका हूँ, वो सब भाई मेरे साथ में मौजूद हैं। अब चक्कर ये है कि ये जो चोर का बच्चा है ये मेरा नाम क्यों लेता है, जब तूने इसको समझा दिया कि ये तेरा असिस्टेंट है या जो भी है, ठीक है, तेरे साथ में काम, अरे असिस्टेंट मेरा जो भी है, मैं नहीं, तेरा ये जो भी है तेरे साथ में काम करता है, तूने उसको समझाया कि नदीम के मैटर में पढ़ने का नहीं, वो कुछ भी करता है कैसा भी करता है, वो उसकी अपनी दावत तबलीग है। क्या दो ढाई महीने पहले जब मेरे भाई कुछ हो गया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था, मैंने कहा भाई अपना अपना काम देखो, तो आप से भाई ये नसीम साहब कौन है ये आलिमुद्दीन नसीम, ये अभी एक लाइन पे थे, इसने लाइन पे लिया हुआ था किसी को, वो आलिमुद्दीन है नसीम साहब भाई, अल्लाह वाला मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो, नहीं जानता कि चलो वो तो बताएगा नहीं मेरे को, आप देख मैं आप काम करूंगा बहुत एकदम सटीक, ठीक है, अब इसका जो ये चंदा चोरी का जो सीधा बोल रहा है उसको बोल सकते नहीं नहीं आप वो छोड़ दे, तू मैं तेरे को तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि तेरे से मेरा मैटर कुछ है नहीं ना, तू मैटर के अंदर बीच में आया, अब मैटर इसका है ना, अब मैं इसको जो है साबित कर दूंगा कि ये चोर है और आलिम दीन से कहलवाऊंगा, बाकायदा उनके मुंह से कहलवाऊंगा कि ये बंदा चोर है, ठीक है, वो मुझे मालूम है, कैसे करवाना है आपको जो करना है आराम से करो, ठीक है ना भाई, अब तेरा और मेरा कोई मैटर नहीं है, तू बीच में मत आना, दोनों लोग को समझा दिया था, कह रहे आपकी तरफ से तो कुछ हुआ नहीं, अब इनकी तरफ से हो गया शुरू किया है ना, इसकी इतनी फटी हुई थी जब तूने चैलेंज किया था ना उसको लैपटॉप बाबा को, इसकी इतनी फटी हुई थी, मेरे पैरों में गिरा हुआ था कि भाई तुम कुछ करो समझे, तो मैंने उसको फोन किया था, अच्छा अच्छा, काम तो जमात के लिए ही कर रहा है ना, ये मेरे पैरों में गिरा होता साला, अब मेरे को ये चैलेंज कर रहा है, देख अब मैं इसका नहीं, मैंने अभी इनको बात तुम्हारी मतलब नियत थी वो अच्छी थी, लेकिन तुम्हें किसी का नाम बीच में भाई वो नहीं लेना चाहिए था, अरे बुरान बुरी बात कर रहे थे, मुंह से निकल गया मतलब गुस्से में, अरे मुंह से निकल गया तो साले मेरे को बोलना, मैंने जब तुझे फोन किया तो मेरे को बोलना कि भाई तेरे मुंह से निकल गया, तू उल्टा सीधा मेरे को बोल रहा है तो मैं तेरे को छोड़ थोड़ी दूंगा, तेरे को पिछली बार छोड़ दिया साले, छोड़ मेरे भाई, अगर आप कहें एक मिनट भाई, अगर आप मेरे भाई ठंडे से बात करना चाहें, नहीं नहीं मेरे को नहीं नहीं चूतिये, ये जो चूतिये घुसे हुए हैं ना एल एडीसो में, इनकी गांड पे इतने डंडे पड़वाऊंगा ना मैं, अभी ऐसी हालत कर दूंगा इन लोगों की सालों की, ये भूल जाएंगे दावत तबलीग कहते किसको है, इनको अलग से बात आता नहीं, ये चूतियों को साले जातियात पर भोगते हैं किसी की और उसको कहते हैं दावत तबलीग, आपको नहीं हमला करना चाहिए, इसको कर रहे थे कितना जातियात पर हमला करेगा, देख मैं अभी इसका जो चोरी का सेंटर बनाया ना एकदम दिया, सुन मेरी बात, अभी अभी आपको बाद में इनकी लेंगे, हम पहले ले लेंगे, तू क्लास लेता रहे, आप देख मैं आलिम दीन के साथ में कैसा काम करता हूँ, उसकी कैसी बजाता हूँ आराम के पिल्ले की, साले को कोड़ी का इल्म नहीं है, अलिफ से बा इसको आता नहीं है, साले चोरी का अड्डा बना के बैठा हुआ, लोगों को एट रहा है, वहाँ पर जमीयत नहीं है, मैं वहाँ की जमीयत पर चढ़ जाऊंगा कि वहाँ पर बैतुल माल नहीं है क्या, इन चोरों के हाथ में तुमने दे रखा है, जो एल एडीसी के ऊपर जाति भोगते हैं, जिनको कोड़ी का इल्म नहीं, जो साहबों को गालियां देते हैं, साहबों को गालियां बात कहते हैं, उनका दिफा करते हैं, है जो हदीसों को झूठ बोलते हैं, अहले भी सुलमाओं के ऊपर भोगते हैं, ऐसे चोरों के हाथ में तुम्हारा मैटर हो गया था, मतलब साहबा को किसने गाली दी, साहबा को गाली नहीं दी, साहबा को गाली बात का खादिम ने अच्छा खादिम ने, अब खादिम से तो कोई मैटर है नहीं, खादिम शांत है तो हम शांत है, खत्म हो गई बात, वो तो लाइन से मेरे पता नहीं उनका उनके कितने नंबर चल रहे हैं, मेरा उनके पास नंबर, खादिम को अभी अटैक आया, ठीक है, और खादिम कई दिनों से, हाँ खादिम कई दिनों से, हाँ खादिम कई दिनों से जो है, खादिम कई दिनों से जो है वो शांत है, तो हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक लाइन शख्सियत है, वो किसी के बहकावे में आकर, किसी की मोहब्बत में आकर बहुत सारे कुफ्र बक गया, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब वो किसी को गालियां देगा, कुछ बोलेगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके पीछे जबरदस्ती पड़ा जाए, अब वो 2-3 महीने से 4 महीने से बिल्कुल शांत है, कहीं पर दिखाई दे रहा है किधर ग्रुप में, उनकी कोई ना ऑडियो आ रही है ना कोई फोर्स वॉल्यूम सोचे, तो हमारा मैटर खत्म है उससे, हमारा मैटर खत्म है, हाँ जब वो आएगा, जब वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, समझ भाई बात, अब बात ये है कि मैं आलिम दीन से गुफ्तगू करूंगा, ये कहाँ का है ये आदमी, ये इलाहाबाद का है, कहाँ का है ये, कानपुर का है ना, चल ठीक है, अब देख इसका मैं क्या हाल करता हूँ इंशाल्लाह।
चलिए ठीक है भाई, अब हम क्या बता सकते हैं, अब उनको समझाए तो मत आपको भाई, अब हम देख लो, मैं देख लूंगा, मेरे को कोई टेंशन, मैं सिर्फ तेरे को इसके लिए आगाह कर दिया कि तूने जिम्मेदारी ली थी कि भाई अब ये जो है बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। मैंने तो मैंने भाई समझाया तो था, लेकिन अब क्या बताया, अब तो मेरे हिसाब से मैं समझाना कट गई है तो मैं एकदम कोने में बैठा हुआ। हाँ तो अब मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा ना इसको, ये चोरी का जो अड्डा इसने बना रखा है ना, मैं वहाँ की जमीयत की भी हालत खराब कर दूंगा कि ऐसे चोरों को जो साहबाओं पर भोंक रहा है, जो जो की उलमाओं एल आई डी के ऊपर भोंक रहा है, और जो दीन का काम कर रहा है, जो दावत तबलीग कर रहा है, वो जैसी भी कर रहा है अपनी जमात पर आँच नहीं आने देते। मैं कैसी भी दावत तबलीग करता हूँ, मेरी जमात के ऊपर भोंकने वाला अभी तक कोई मेरे सामने पैदा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसी भी दावत और तबलीग करता हूँ, इसकी औकात है साले की, स्वर जैसी इसकी शक्ल है। अब मैं इसकी बजाता हूँ, अब ये ऑडियो भी डालूंगा मैं यूट्यूब पर, सब जगह देगा, इसका क्या हाल करूंगा अभी मैं। चल भाई शुक्रिया, बहुत बहुत ओके सर।